नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गीता गुप्ता। आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है कांपता पुल, और इस कहानी को लिखा है लेखिका अंजू दुआ जैमिनी जी ने। तो आइए सुनते हैं कहानी कांपता पुल। मैं चंचल को पिछले 7 वर्षों से जानती हूँ। चंचल का नाम चंचल किसने रखा मुझे नहीं मालूम, पर वो अपने नाम के एकदम विपरीत है। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता देखती हूँ मैं। कभी ऐसा लगता है ये रो रही है, और कभी लगता है जैसे भीतर ही भीतर किसी से लड़ रही है। दुबली पतली गेहूं रंग वाली खामोश सी लड़की 2 सालों से विवाहित थी जब उसने दफ्तर ज्वाइन किया था। पहले पहल तो सबने उसे अविवाहिता समझा क्योंकि वो जीन्स टी शर्ट पहने थी और सिंदूर भी नहीं लगाया था उसने। वो हाजिरी लगाकर सोच रही थी कि कहाँ बैठे। एक बुजुर्ग सहायक ने मेरी ओर इशारा करके कहा, ये भी आपके इलाके से आती हैं। वो सीधा मेरे पास आई। मैंने चश्मे के कांच से गोल गोल आंखें घुमाकर उसकी ओर देखा। उसने हेलो का जवाब दिया और 2-4 बातें पूछी। उसके बाद मैं फाइलों में खो गई। तब से वो रोज मेरे सामने ही बैठने लगी। मेरी और उसकी उम्र में कोई 5 साल का ही अंतर था केवल। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहराने लगी। जब तक हम एक दूसरे से ढेरों बातें ना कर लें हमें चैन नहीं पड़ता। हमारा 4 का ग्रुप था। हम सब इकट्ठे लंच करते, चाय पीते, फल खाते, मीठा खाते, कनॉट प्लेस के चक्कर लगाते, और बहुत कुछ हमने साथ रहकर किया। धीरे धीरे हम दोनों ही रह गए ग्रुप में। उसने बताया कि वो बच्चे के लिए ट्राई कर रही है। अब वो अक्सर छुट्टी ले लेती। अस्पतालों के चक्कर काटने लगी वो। उसके पति अच्छी नौकरी पर थे, प्राइवेट क्लिनिक तक नहीं छोड़ा उन्होंने, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच वो गुड़गांव में अपने फ्लैट में रहने लगी क्योंकि उसके पति को अच्छी नौकरी वहीं मिल गई थी। साल पर साल बीतने लगे। संयुक्त परिवार से निकलकर वो अकेले रहने लगे, पर उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं आई जो आनी चाहिए थी। पता नहीं उसे क्या गम था। ऐसा लग रहा था मानो वो धीरे धीरे खुल रही हो। शायद बच्चा ना होने का गम था उसे, जो उसे दिन रात खाए जा रहा था। तकलीफ देह इलाज उसकी जान निकाल देता। वो कृत्रिम गर्भाधान कराने भी गई। उस दर्दनाक इलाज को 3 बार करवाया उसने, पर हर बार मुंह की खाई। इधर उसके और उसके पति के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। उस पर हावी तो वो पहले ही रहता था, अब तो चिड़चिड़ाने भी लगा था। घर में दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते बोर हो जाते। उसे लगने लगा कि अगर बच्चा उनकी जिंदगी में ना आया ना, तो उसका पति या तो उसे मार डालेगा या फिर खुद को। उसने अपने ससुराल में बात की। उसने सास से कहा कि कल को यदि उनके बेटे को कुछ हो जाए तो उसे दोषी ना ठहराया जाए। ससुराल वाले घबरा गए। आखिर बच्चा गोद लेने का निर्णय लिया गया। वो बहुत खुश थी। हालांकि अभी कुछ वर्ष तक और इंतजार कर सकती थी वो, पर पति के लड़ाके व्यवहार को देख उसने हार मान ली थी। तय हुआ कि मिशनरी से जो भी नवजात शिशु मिलेगा उसे फौरन गोद ले लेंगे। खोजबीन शुरू हुई और आखिर उन्होंने एक बच्ची गोद ले ली। वो 3 महीने की प्यारी सी बच्ची थी। उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, पर वो खुश थे। उनका जीवन बदल गया था। उनके जीवन में जैसे मानो बाहर आ गई हो। चिपचिपाती गर्मी के बाद झमाझम बरसात, और उसके बाद मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध खुशगवार हो गया उनका जीवन। चंचल की मां ने बच्ची को पालने की जिम्मेदारी उठाना स्वीकार किया। उनके कोई बेटा नहीं था, सो नातिन को वो आराम से पाल सकती थी। चंचल अपनी बच्ची के साथ व्यस्त हो गई, पर उसके पति बेटी को लेकर इतने पॉजेसिव थे कि वो छोटी छोटी बात के लिए चंचल को दोषी ठहराते। अपनी सास की लापरवाही के बारे में भी शिकायत करते वो चंचल से। चंचल को सास के सामने फटकारने से भी नहीं चूकते थे वो। चंचल बच्ची का बहुत ध्यान रखती, पर पति की बेरुखी से वो टूटने लगी। मां का अपमान उसे घायल करके रख देता था।
रोज रोज की कला से वो तंग आ चुकी थी। उसके पापा भी अकेले पड़ जाते, मम्मी छुट्टी के 2 दिन अपने पति के पास लौट जाती। दरअसल चंचल के पति किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। बेटी 2 साल की हुई तो उसे क्रेच में डाल दिया गया, क्योंकि चंचल के पापा रिटायर हो गए थे और अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहते थे। चंचल के पति भी खुश थे। थोड़े समय बाद बेटी ने क्रेच जाने से मना कर दिया। क्रेच के नाम पर वो रोने लगी। क्रेच वाली दीदी उसे थप्पड़ लगाती तो वो डर जाती। आखिर उन्हें उसका क्रेच जाना छुड़ाना पड़ा। समस्या आ पड़ी कि अब बेटी को कहाँ रखें। चंचल के पापा अब शहर में नहीं रहना चाहते थे। एक दो बार दामाद उनके साथ भी उलझ पड़े थे, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने साफ साफ कह दिया अपनी बेटी से कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं और अब गांव जाकर रहना चाहते हैं। चंचल ने मम्मी को लाख रोकना चाहा, पर पापा उन्हें साथ ले गए। चंचल को अक्सर सिरदर्द रहने लगा था। बेटी का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दिया, पर स्कूल से आने के बाद वो कहाँ रहेगी, ये अभी भी समस्या थी। उसने सास ससुर से मदद मांगी। सास का कहना था कि वो वापस ससुराल आ जाए तो उसका बच्चा पल जाएगा, पर इसके लिए पति पत्नी दोनों ही राजी नहीं हुए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने एक फुल टाइम मेट रखी। एजेंसी से काफी मशक्कत के बाद वो 17 साल की लड़की उन्हें मिली थी, देखने में आकर्षक और काम में चुस्त। चंचल को कामकाज में आराम मिलने लगा, चेहरे पर संतोष झलकने लगा, दोनों खुश थे। 10 दिन बाद लड़की खुलने लगी। वो टीवी की शौकीन थी। छुट्टियां थी सो सारा दिन बच्ची घर पर रहती। शाम को बच्ची बाप से उसकी शिकायत करती कि दीदी मेरे वाला कार्टून चैनल नहीं लगाती। चंचल को डांट पड़ी कि लड़की को समझा दे कि बच्ची को उसकी पसंद का चैनल देखने दिया करे। लड़की ने गिलास तोड़ दिया तो चंचल को फिर हिदायत मिली। लड़की ने बिना पूछे मालिक के लिए नींबू पानी बनाया। चंचल को लड़की के सामने झाड़ पड़ी कि तूने उसे क्यों नहीं समझाया। कभी बिटिया तो कभी लड़की, हर बार चंचल की बेइज्जती होती। आखिर उसकी इस घर में क्या हस्ती है, बार बार उसे बेअक्ल कहा जाता है क्यों। पत्नी एक पिता फिर से नहीं चाहती, वो पति ही चाहती है। एक दोस्त, एक हमदम, एक हम कदम। मायके में पिता के अनुशासन से बाहर निकलना चाहती है वो, और विवाह उपरांत पति से प्रेम पाना चाहती है। हिटलर शाही नहीं, क्यों पति उसे अपनी मातहत समझता है। क्यों पुरुष सदैव थानेदार के समान व्यवहार करता है स्त्री के साथ। स्त्री धरती है और पुरुष आकाश, फिर क्यों आकाश उस पर छा जाना चाहता है, उसे उसे ढकना चाहता है। प्रेम कभी हावी नहीं होना चाहता, जो हावी हो वो प्रेम नहीं है। एक कामवाली के सामने उसे जलील होना पड़ेगा, उसने कभी सोचा भी ना था। पति के दोस्तों के सामने हुए अपने कई अपमानों को वो भूल गई थी, पर आज उसे लगने लगा कि पति पत्नी के बीच प्रेम का जो पुल था वो कांप रहा है। कैसे बचाए उस कांपते हुए पुल को गिरने से। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहा, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी, दिल पर पे हो न, दिल पर पे हो न कोई असर। ओ या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न, दिल पर पे हो न कोई असर। ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला।